تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. السلام عليكم. सबको ईद मुबारक और हिंदुस्तान के जितने आवाम हैं सबको मेरी तरफ से तहदील से ईद मुबारक. मैं ईद मुबारक का सौगात पूरे हिंदुस्तान को देता हूँ और हिंदुस्तान के साथ हमारे बंगाल के सभी भाई बहन जितने भी बड़े छोटे हैं सबको ईद मुबारक का ईद मुबारक बोलता हूँ. क्योंकि आज जो हमारे जो ईद मुबारक आज हम लोग खुशी लाए हैं जो इतने बड़ी खुशी पूरे बंगाल के आवाम के थ्रू. और एक ईद हमने जो 2 तारीख को मनाया उसके बाद वो ईद की खुशी तो हम लोग पूरे बंगाल के आदमी इस तरह मनाया कि हमें लगा कि हम लोग बंगाल में सही सलामत सब भाई मिल कर रहते हैं. और दूसरी ईद हम लोग सब भाई जो ईद गले की भाईचारे की मोहब्बत है जो हम लोग सब भाई मिल के 2 तारीख को एक मैंने एक ईद के मनाऊंगे. इसके लिए हम लोग सब भाई से गुजारिश करूंगा कि कोई भी इंसान अपने आप में ना इत्तफाकी ना करे, किसी से झगड़ा ना करे और सब भाई गले मिल के ईद मनाए. जो भी हुआ जिसको भी हुआ वोट दिया बंगाल के आवाम हम लोग सभी ठीक है. कुछ बहकावे में किसी इंसान के आ गया था उसके बहकावे आप लोग ना जाए और सब भाई मिलकर ईद मनाएं. और जिस तरह मनाएं कि लगे कि हम लोग बंगाल में अपना सर्कुलर राज अगर दीदी के नेतृत्व में हम लोग मना रहे हैं इसी तरह हम लोग सब मिलकर हमेशा के लिए ईद मना के खुशी मनाए कि हम लोग ईद मना रहे हैं सब. और एक आप सभी हिंदुस्तान वासियों से और हमारे खास करके बंगाल वासियों से गुजारिश है कि आप लोग जो ये कोरोना वायरस का सेकेंड स्टेप चल रहा है इसमें आप सब मिल के बंगाल का साथ दे और हिंदुस्तान का साथ दे. क्योंकि ये कोरोना वायरस इतना ही हानिकारक है कि किसी को नहीं देख रहा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन सिख है कौन ईसाई है. इस तरह फैला हुआ है कि किसी को भी अटैक कर सकता है. किसी के मम्मी को किसी के पापा को किसी के बेटी को किसी के भाई को जो भी दिल के करीब है उसको अटैक. इसलिए कि उसके होने के बाद इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत पड़ जा रहा क्योंकि गैस का किल्लत है आदमी को हर चीज़ का किल्लत है हर बॉडी गाड़ी नहीं मिला. इसलिए जो भी आप लोग कोशिश करें आप लोग मदद करें और सब मिल के किसी मध्य के कोई मजहब का बॉडी है उसको आप ले आके जिस भी मजहब का उसी तरह संस्कार कर दें उसी तरह मट्टी मंजिल कर दें कि आदमी को लगे कि हम लोग हिंदुस्तान में सब भाई जितना भी कठिन से कठिन प्रश्न आए हम लोग उसको संभाल सकते हैं और सब मिल करके हिंदुस्तान को हम लोग एकता का सब पति चला सकते हैं. हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो इतनी तादाद इतनी अच्छी वोट से आप लीड किए. और उसी के साथ हमारे अभिषेक बनर्जी को भी मैं मुबारक देता हूँ और बॉबी हकीम को भी देता हूँ जो पोर्ट अंचल से जो काम किए उसके विषय में आवाम ने इतना ज़्यादा वोटों से जिताया उन्हें. मैं बार बार पोर्ट आवाम को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उसके थ्रू बॉबी हकीम को भी बहुत बहुत देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. जय हिंद जय बांग्ला.